हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं है। तो शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण बीजेपी और आरएसएस की देन है। भागवत बर्क का मुस्लिम राह, भड़क उठी 24 की सियासी आग। 24 के महा मुकाबले के लिए जमीन तैयार हो रही है। इस सियासी जंग में ओबीसी के साथ मुस्लिम फैक्टर भी अहम रहने वाला है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं। जो हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं। विरोध से हमारा नुकसान ना हो, संघ को इसकी चिंता करनी चाहिए। लखनऊ में अवध प्रांत की बैठक में भागवत ने ये सब कहा। इसके अलावा इस बैठक में संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ जन जागरूकता का काम बढ़ाने पर जोर दिया गया। इधर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी और आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि हम नफरत का बीज बोएंगे तो हालात अलग होंगे। तो इस किस्म की नफरत, हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी, ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है ऐसे तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज है? मतलब ये है कि हमारे साथ, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी इस मुल्क के मालिक हैं। जब हम उन्हें उनका रुख मोड़ेंगे और उनके अंदर नफरत की भावना पैदा करेंगे तो इससे तो देश का नुकसान ही होगा। एक तरफ भागवत कह रहे हैं कि मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं, तो दूसरी तरफ बर्क का कहना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले आरएसएस और बीजेपी की देन है। ऐसे बयानों का सीधा कनेक्शन 24 के चुनावी समर से है। आरएसएस ओबीसी के साथ मुस्लिमों को साथ कर बीजेपी के जमीन तैयार कर रही है। तो वही बर्क के बयान से एसपी का मुस्लिम वोट छिड़कने का डर सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि भागवत के बयान के मायने क्या है? क्या एसपी को भागवत के बयान से वोट कटने का डर है? कि मोहन भागवत जी वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों का पालन कहाँ होता है? जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि आप एक धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों ढूंढते हो, कोई नहीं मानता है। माननीय न्यायालय में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज जब मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम भी हमारे, तो मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद से पूछना चाहिए कि संसद में खड़े होकर जिस तरीके की भाषा एक मुसलमान सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने की, जो उनका व्यवहार था, क्या वो उचित था? इस पे मोहन भागवत जी कब बोलेंगे? यूपी में मुस्लिमों को साधे बिना सत्ता हासिल करना बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि आरएसएस और एसपी दोनों ही इस वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। देश में मुस्लिम आबादी 16.51% है। यूपी में करीब 20% मुसलमान है। यूपी में करीब 3.84 करोड़ आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से देश में यूपी का 5वां नंबर। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 20% से ज्यादा, 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 20-30% के बीच, 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर 36% के बीच, 30 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 40% से ज्यादा। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें, 36 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा, 6 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 40-50%, 12 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 30-40%, 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20-30% है। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि मुस्लिम मतदाता कितनी बड़ी भूमिका में है। 24 के लिए यही वोट बैंक सरकार बनाएगा भी, और बीजेपी को अगर मिशन 80 फतह करना है तो ओबीसी के साथ मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी तरफ करना होगा। वहीं एसपी को अपने कोर वोटर्स को टूटने से बचाना होगा। यही वजह है कि हर पार्टी इस वोट बैंक पर नजर लगाए बैठी है। टीम न्यूज स्टेट।